हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फिजियो मंत्र में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बेस्ट मशीन के बारे में जो क्रोनिक से क्रोनिक पेन को भी ठीक करता है। मेरे पास वो मशीन 1.5 ईयर से है। उसमें मैंने ऐसे ऐसे केस रिकवर किए हैं कि जो लोग पेन से 5-6 साल से सफ़र कर रहे हो, ऐसे क्रोनिक पेन मैंने 15 सिटिंग में 10 सिटिंग में रिकवर किए हैं। ऐसे तो हमारी बैक पेन सीरीज चालू है, अभी हमारे सारे वीडियो बैक पेन पे आ रहे हैं, मगर कल एक पेशेंट ने मुझे फीडबैक वीडियो भेजा इस मशीन के रिगार्ड में, तो सोचा आज वो वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। तो वो मशीन का नाम है PEMF, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस। ये डिवाइस इतना बेहतरीन है कि कोई भी पेन, बॉडी का कोई भी पेन, वो मशीन विथ इन 10 सिटिंग 15 सिटिंग मैक्सिमम 25 सिटिंग में रिकवर करता है। मैंने तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी रिकवर किया है, जिसमें गैप कम हो जाती है नीज़ में, उसकी गैप भी मैंने बढ़ाई है। ठीक है दोस्तों, सबसे बेस्ट रिजल्ट इस मशीन में मिलते हैं पाइल्स में, माइग्रेन में, कॉक्सीडेनिया में, स्लिप डिस्क में, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने रिकवर की है, मगर ये सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ उस मशीन की थोड़ी डिटेल्स और उसका कौन सा प्रोग्राम मैंने इस पेशेंट में यूज़ किया तो उसको इतनी जल्दी इफ़ेक्ट मिली, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। हाय एवरीवन, आज मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मुझे एंकल लिगामेंट्स का प्रॉब्लम था और 6 to 8 months पुराना। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हुई, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए। बाद में मैंने कांटेक्ट किया मिस्टर मुस्तफ़ा मंसूरी सर जी, जो एक वेल नोन फिजियोथेरापिस्ट है। उनकी फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट जो है PEMF, उस ट्रीटमेंट से मुझे 100% रिकवरी हुई और वो भी सिर्फ 10 सिटिंग्स में। और ये ट्रीटमेंट कोई भी करवा सकता है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर मुस्तफ़ा मंसूरी सर जी, थैंक यू। तो ये थे मेरे एक पेशेंट जिनको 8-9 months से एंकल पेन था। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली, प्लास्टर भी करवाया उन्होंने 15 days 30 days, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने उन पे PEMF मशीन, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो डिवाइस आता है, वो डिवाइस यूज़ किया। ओनली 10 सिटिंग में उनका पेन 0-0 हो गया। अभी वो सब कुछ करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, कार ड्राइविंग, नो पेन। पहले वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, इवन वॉक भी नहीं कर पाते थे, उतना पेन था। ओनली 10 सिटिंग में ये मैंने रिकवर किया। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने ट्रीटमेंट में उनको ये किया कि पहले उनको 30 मिनट का एक सेशन दिया, उसमें मैंने दो प्रोग्राम का यूज़ किया। एक था 14 नंबर, एक था 19 नंबर। 14 नंबर का प्रोग्राम है क्रोनिक पेन को ठीक करने के लिए और 19 क्या है, स्पाज़म ठीक करने के लिए। ठीक है, तो मैंने दोनों प्रोग्राम को 15-15 मिनट यूज़ किया और रिज़ल्ट मिला 10 डेज में। ठीक है दोस्तों, इस डिवाइस की ट्रीटमेंट के बाद मैंने 7 to 8 मिनट का अल्ट्रासाउंड किया, जहाँ पे उनको टेंडर पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्लाइड दी और टिबियलिस एंटीरियर और काफ मसल्स का मैंने MFR किया। ये ट्रीटमेंट करने से 10 डेज में ही पेशेंट को रिकवरी मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिकवरी तो ऐसे भी मिलने वाली थी, मगर थोड़ा टाइम लेती।
मगर ये डिवाइस की यूज़ करने से मुझे बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिला जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे 10 डेज़ में पेशेंट को 100% रिकवरी मिल जाएगी। ऐसे मेरे पास बहुत केसेस है, मगर इस पेशेंट ने मुझे वीडियो सेंड किया तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी जब हमारी बैक पेन सीरीज़ चल रही है तो ये मैंने वीडियो ऐसे ही रख दिया कि चलो आपको भी थोड़ा चेंज मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलेंगे बैक पेन सीरीज़ पार्ट 2 एपिसोड 2 में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।